सुनिए। हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं यहाँ अपने बेटे से। मैं समझ गई मैम, आप अपने बेटे की शादी की शॉपिंग के लिए आई हैं। आइए मैं आपको एक से बढ़कर एक सेट दिखाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। इट्स ओके मैम, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, देखने की कोई चार्जेस नहीं है। आइए प्लीज कम। बहुत एलिगेंट है। तो मैम कैसा लगा आपको हमारा स्टोर? नाइस कलेक्शन। थैंक यू। तो बताइए क्या पैक कर दूँ? मैंने तो पहले ही बताया था मुझे कुछ खरीदना नहीं है। खरीदने नहीं आई हो तो इतने महंगे स्टोर में क्यों आई हो? पिछले आधे घंटे से मैं पूरा कलेक्शन दिखा रही हूँ, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। और तुझे तमीज़ है? इतने लैविश स्टोर पर चली आई मुँह उठाकर, कुछ लेना वेना तो है नहीं। इतना टाइम मैंने किसी और कस्टमर को दिया होता ना तो एक तो सेल पक्का हुई होती और इंसेंटिव मिलता अलग से। क्या बोले जा रही हो तब से उल्टा सीधा? मेरे जो मन में आएगा मैं वो बोलूंगी, अगर तुझे नहीं सुनना ना तो चलती बन यहाँ से। क्या हो रहा है? सर देखिए ना, कुछ लेना वेना है नहीं और आ गई इतने लैविश स्टोर में। अच्छा, तुम कस्टमर से इस तरीके से बात करती हो? सर कस्टमर होना भी तो चाहिए ना इज्जत देने लायक। इसे लेना मेना कुछ है नहीं, फालतू आकर टाइम वेस्ट कर रही है हमारा। माँ आप बताओ क्या हुआ? सर ये आपकी माँ है? सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी माँ है। शट अप। एक तो तुमने मेरी माँ से बदतमीजी की, ऊपर से तुम्हें तो ये लग रहा था ये कस्टमर है ना, तो फिर कस्टमर से तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो? नहीं सर, एक्चुअली वो इन्हें कुछ लेना नहीं। यू एक मिनट बेटा, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आई थी और ज्वेलरी देखने के लिए तुमने मुझे फोर्स किया था, और वैसे भी अगर मैं एज अ कस्टमर यहाँ पर आती और ज्वेलरी देखने के बाद उसे नहीं लेती तो भी तुम मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। अच्छा सेल्स पर्सन वो नहीं होता जो सामान को बेच दे, अच्छा सेल्स पर्सन वो होता है जो कस्टमर से अच्छे से बात कर सके। अच्छा सेल्स पर्सन बनने से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। माँ आप क्यों इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं अभी इसे फायर कर देता हूँ ना। नो नो सर, सर प्लीज़ ऐसा मत करिए सर। सर कुछ ही दिन में मेरे फादर की सर्जरी होने वाली है सर। सर प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। कोई बात नहीं बेटा, अभी से अपना सबक मिल गया है, इसे एक मौका और दे दो। ठीक है माँ। और तुम आइंदा अगर तुमने किसी भी कस्टमर से इस तरीके से बात की ना तो मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें फायर करने में। सर आई प्रॉमिस सर, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा सर। आई एम रियली सॉरी। ये लास्ट चांस तुम्हें सिर्फ माँ के कहने की वजह से मिल रहा है। मैम आई एम सॉरी। इट्स ओके।